महाराष्ट्र के सभी हिंदू और मुस्लिम भाइयों को मेरा जय महाराष्ट्र। मैं प्रवीण जेठेवाड़ शिवसेना महाराष्ट्र राज्य की ओर से बात कर रहा हूँ। पिछले कुछ दिनों से मेरा एक संदेश सभी हिंदू और मुस्लिम भाइयों के लिए मैंने भेजा था। उस संदेश में मैंने ये कहा था कि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के जो अध्यक्ष है राज साहब ठाकरे, उन्होंने उनकी खत्म हुई राजनीति जो है वो चमकाने के लिए देश की एकता और अखंडता तोड़ने का काम शुरू किया है, और इनको जो बढ़ावा देने का जो काम है वो भारतीय जनता पार्टी के नेता कर रहे हैं। इन सभी चीज़ों का मैंने जब आकलन किया, देखा, तो मुझे ऐसा लगा कि राज साहब ठाकरे जो है वो बहुत ही गंदा कदम इस देश की राजनीति में रखना चाह रहे हैं। पिछले कुछ वर्षों से उनकी पार्टी चुनाव में कहीं नज़र नहीं आई। शायद 2019 का चुनाव भी उनकी पार्टी ने नहीं लड़ा था। तो ऐसे वक्त अगर उनको आगे बढ़ना था तो क्या ये सही समय था? नहीं। कोरोना महामारी में पूरा देश बर्बाद हो गया है। देश की अर्थव्यवस्था जो है वो बहुत ही बुरी तरीके से पीछे हट गई है। देश की जनता परेशान है, और इस देश को आगे लाने के लिए सभी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाइयों को कैसा मजबूत करें, उनके घरों को उनकी चूल्हे कैसे जले, इस चीज़ों में जो है राजकीय नेताओं ने काम करना ज़रूरी था। लेकिन फिर से भारतीय जनता पार्टी और मनसे ने ये देश की एकता और अखंडता तोड़ने का काम शुरू किया है, और ये नफरत की राजनीति जो देश में अभी शुरू हो रही है वो बहुत ही गंदी राजनीति है। मैं कहना चाहता हूँ मनसे के कार्यकर्ताओं को, क्या आपने राजनीति में कदम इसलिए रखा था? महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के जो भी महाराष्ट्र में कार्यकर्ता है, मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आपको राजनीति में सामाजिक कार्य करने के लिए आना था कि हिंदू विरुद्ध मुस्लिम लड़ने के लिए आना था? नहीं। कौन सा भी नागरिक, कौन सा भी राजकीय कार्यकर्ता जब सामाजिक दृष्टिकोण से काम करता है, वो किसी भी मुस्लिम या किसी भी बौद्ध या किसी भी सिख लोगों के ऊपर जो आक्रमण नहीं करना चाहता है, तो फिर आप ये क्यों कर रहे हैं? मैं नांदेड़ से बिलोंग करता हूँ। यहाँ गुरु गोविंद सिंह जी की पवित्र धरती से मैं हूँ। मैं कहना चाहता हूँ कि ये बलिदान का देश है हमारा, और क्या शहीद भगत सिंह ने इसीलिए बलिदान दिया था कि हिंदू और मुस्लिम आपस में लड़ाया जाए? सुभाष चंद्र बोस ने इसीलिए बलिदान दिया है? इस देश के सभी क्रांतिकारियों ने जो आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी और बलिदान दिया था, क्या इसीलिए बलिदान दिया है? स्वतंत्र वीर सावरकर जी को मानने वाले हम शिवसेना के पदाधिकारी और शिवसैनिक है। उन्होंने अंदमान और निकोबार में जो अंदमान में जो सजा काटी है, क्या इसीलिए काटी है कि देश की एकता और अखंडता फिर से तोड़ी जाइए? बहुत हुआ ना खून खराबा, बहुत हुआ इस देश में। 1947 का खून खराबा हमने देखा, 1971 का खून खराबा हमने देखा, और फिर से हमारी जो पीढ़ी है अभी जो सामने आई है, हमें देश का अभी नेतृत्व करना है, गरीबों की सेवा करनी है, चाहे वो किसी धर्म का किसी पंथ का हो। तो आप राजनेता राज ठाकरे जैसे विचारों के लोगों को सामने लाओगे? क्या हासिल हुआ? आज 4 में है, क्या हासिल हुआ? आपने सवेरे 5 बजे किसी मस्जिद के सामने हनुमान चालीसा लगाई, क्यों लगाई? हनुमान जी जो प्रभु श्री राम के दूत है, महादेव के अंश है, उनकी विटंबना आप इसलिए विटंबना कर रहे हो? किसी भी हिंदू धर्म जानकार से पूछिए कि आरती हनुमान जी के सामने होती है, न कि मस्जिदों के सामने आरती होती है। क्या मजाक लगाया है आपने? हनुमान जी, प्रभु हनुमान जी के सामने उनकी आराधना आप करोगे, उनकी स्तुति करोगे, उनका गान करोगे,
और हे प्रभु आपकी जैसी शक्ति हमें प्रदान करे कि हम जो है गरीबों के दुख और दर्द दूर करें। कौन सी राजनीति चमकाना चाहते हो? राज ठाकरे जी जो है उन्होंने बाला साहब ठाकरे जब जिंदा थे उनके पीठ पर छुरा खोपा, इतनी गद्दारी और इतनी बेईमानी भारत के इतिहास के राजनीतिक दलों में आज तक कोई नहीं करा, इतनी गद्दारी राज ठाकरे साहब ने की है। उद्धव ठाकरे साहब जब शिवसेना पक्ष प्रमुख बने उनका नाम अनाउंसमेंट महाबलेश्वर की शिवसेना की राष्ट्रीय कोर कमेटी की बैठक में दस्तूर खुद राज ठाकरे जी ने किया था। तो आज जो उन्होंने किया है, आज पूरा देश, पूरा महाराष्ट्र और पूरा देश उद्धव ठाकरे जी साहब के कामों की तारीफ करते थक नहीं रहा है, रुक नहीं रहा है, इतनी तारीफ कर रहे हैं वो लोग। हर एक जनता उद्धव ठाकरे साहब की तारीफ कर रही कि कितना अच्छा मुख्यमंत्री सीएम हमें महाराष्ट्र में मिला है, करोड़ों लोगों के जान उन्होंने बचाई है। कोरोना का जब संकट था, महामारी का संकट था, मुंबई बृह मुंबई की आबादी आपको पता है 2 करोड़ आबादी है, ऐसे ऐसी जगह पर उन्होंने लोगों की जान बचाने के लिए काम किया। और आप क्या कर रहे हो राज ठाकरे साहब, आपके भाई के खिलाफ आप आंदोलन जो है आपको खड़ा करना है, मुद्दे नहीं है महाराष्ट्र में? महंगाई, कितनी महंगाई बढ़ गई है। जब कांग्रेस ने सत्ता छोड़ी थी देश में तब 2014 में जो है वो पेट्रोल 50 रुपये लीटर था, डीजल 40 रुपये लीटर था, और आज पेट्रोल 120 रुपये हो गया और डीजल 110 रुपये हो गया। कितना लूटोगे पब्लिक को भाजपा वालों, कितना लूटोगे? और हमारी पब्लिक शांत, कोई कुछ नहीं बोल रहा है, सब शांत है, सिर्फ देख रहा है। अरे कब तक? तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हें लूटा जा रहा है। अब ये लूट को जो है नजरअंदाज करने के लिए, ये लूट को नजरअंदाज करने के लिए ये लोगों ने हिंदू मुस्लिम कार्ड शुरू किया है फिर से। क्या जरूरत है भोंगों का, भोंगा जो है उसका विरोध करने की आज क्या जरूरत है? अच्छा, ब्राह्मण महासंघ के जो नेता है आनंद दवे साहब, वो हिंदू महासभा के भी नेता है, और हिंदू महासभा जो है वो स्वातंत्र वीर सावरकर जी के मार्गदर्शन में पहले जो हिंदू महासभा, वही हिंदू महासभा ये है। उन्होंने क्या कहा कि आज तुम्हारे जो संभाजीनगर के जो सभा में जो भाषण किया था 1 मई को राज ठाकरे साहब ने, उसमें तुमने क्या कहा था कि हम मंदिर मस्जिद के लाउड स्पीकर भी बंद करेंगे और बाद में मंदिरों को भी लाउड स्पीकर बंद करोगे। अरे क्या बोल रहे हो तुम, तुम हिंदू हो के मस्जिदों मंदिरों के लाउड स्पीकर बंद करोगे? अच्छा, और लाउड स्पीकर बंद करने की बात कहां पर कर रहे हैं? लाउड स्पीकर में ही कर रहे हैं। मीडिया को बात कर जब करते हैं तो लाउड स्पीकर में ही करते हैं, यानी खुद की 1000 बातें आप राज ठाकरे लाउड स्पीकर पर करोगे और हिंदुओं को आप उसका उकसाओगे कि मुसलमानों के खिलाफ खड़े हो जाओ, ये सरासर गलत है। आप राजनीति में जो बच्चे आपके काम कर रहे हैं, आपका पहला कर्तव्य क्या है? भुखमरी, महंगाई, लोगों को रहने के लिए घर नहीं है, मकान नहीं है, अच्छी और क्वालिटी शिक्षा नहीं मिल रही है, किसान की हालत बद से बदतर हो चुकी है, लेकिन आप उस लिए काम नहीं करना चाहिए, आप अब नहीं करना चाह रहे हो, ये सब गलत है। आपको महाराष्ट्र भी माफ नहीं करेगा राज ठाकरे साहब, देश भी माफ नहीं करेगा राज ठाकरे साहब। इतनी धूप है, मई का महीना है, और आप लोगों को जो है जेलों में जाने का रास्ता खुला कर रहे हो। ये पाप कहां पर फेड़ोगे राज ठाकरे साहब, ये गलत है। और रहा शिवसेना का सवाल,
शिवसेना आज भी बाला साहब ठाकरे साहब के हिंदुत्व पर टिकी हुई है और आगे भी शिवसेना बाला साहब ठाकरे साहब के विचारों पर ही चलेगी और यही विचार जो है उद्धव ठाकरे साहब और आदित्य ठाकरे साहब जो है हम सभी शिवसैनिकों को दे रहे हैं। 23 जनवरी 2022 को डॉक्टर बाला साहब ठाकरे साहब की जयंती थी, उसके एक दिन पहले वीडियो प्रसारित हुआ उद्धव ठाकरे साहब का। सभी शिवसैनिकों को उन्होंने आदेश दिया कि आपको अभी आगे बढ़ना है और आपको मजबूती से महाराष्ट्र में जो है सभी शिवसैनिकों को आगे बढ़ के इन सब प्रवृत्तियों का विरोध करना है। ये भाजपा जो कर रही है ना, वो विरोध करना है इनका। 84 घंटे के इन्होंने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहब बने, तब उन्होंने अजीत दादा पवार के साथ छुपी युति की, उनको उप मुख्यमंत्री पद दिया और जब शरद पवार जी ने उनका ये फैसला जो था अजीत दादा पवार जी का, उनको उन्होंने रद्द करके शिवसेना के साथ अलायंस बना के शिवसेना का मुख्यमंत्री उम्मीदवार किया और आदरणीय उद्धव जी ठाकरे साहब जो है वो आज महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने। ये बात जो है राज ठाकरे जी को क्यों चुभ रही है? मैंने 2 साल पहले राज ठाकरे जी शरद पवार साहब का जो है इंटरव्यू लेते हुए मैंने देखा है और आज राज ठाकरे साहब, कल आप तारीफों के पुल बांध रहे थे शरद पवार जी साहब का और एक सामान्य जो पत्रकार होता है उस तरीके का आप इंटरव्यू उनका ले रहे थे, मुलाकात उनकी ले रहे थे और आज वही बुजुर्ग शरद पवार जी जो महाराष्ट्र की और देश की सियासत के सबसे गद्दावर नेता है, उनकी आज बुराई आप माइक पर कर रहे हो, लाउड स्पीकर के द्वारा कर रहे हो। तो ये सभी जो नौटंकी है ना, ये बंद कीजिए राज ठाकरे साहब, बंद कीजिए। बहुत महाराष्ट्र बड़ा है, देश बहुत बड़ा है, आपको हर तालुका में जाना है, आप गए नहीं। आपकी पार्टी, जब से आपकी पार्टी स्थापन हुई आज तक आप किसी तालुका लेवल पर जाके आपने काम नहीं किया, गरीबों का दुख और दर्द आपने देखा नहीं। आपका एक कार्यकर्ता किनवट में आत्महत्या करता है, रोजी रोटी नहीं मिली उसको, नांदेड़ जिला के किनवट में वो मर जाता है, आप आके उसको उसके परिवार को मिले नहीं, आत्महत्या करता है, उसको खाने के वादे थे, आपने क्या किया? नहीं मिले उसको। आप महाराष्ट्र मराठवाड़े की किसी तालुका में आप कभी गए नहीं, तो आप कौन सी राजनीति कर रहे हैं? आप जनता की सेवा करो, ये बंद करो, हिंदू मुस्लिम बंद करो और देश की हिंदू और मुस्लिम एकता हमेशा बरकरार रहेंगी। हमारा जो हिंदुत्व शिवसेना का है, जो हिंदुत्व है वो इस देश में रह के पाकिस्तान की भाषा जो बोलते हैं उन मुसलमानों के खिलाफ हमारा हिंदुत्व है और इस देश में APJ अब्दुल कलाम जैसे नेता इस देश में जो जन्मे हैं उनके लिए हमारा हमेशा सलूट रहेगा। हम हिंदुत्व हमारा ऐसे है, हम APJ अब्दुल कलाम साहब को मानने वाले शिवसैनिक हैं और इस देश में जो रह के इस देश की जो देश में खाना खाते हैं, महबूबा मुफ्ती के साथ भारतीय जनता पार्टी ने युति की थी, शिवसेना ने नहीं की थी और अभी तक उद्धव ठाकरे साहब ने परसों कहा था कि भारतीय जनता पार्टी का बोझ हमने बहुत उठाया है, अब हमारे दम पर हम देश में आगे बढ़ना चाहते हैं। मैं देशवासियों को ये बोलना चाहता हूँ कि आप बोल रहे थे ना कि आदरणीय देश के जो पंत प्रधान है नरेंद्र मोदी साहब, उनका पर्याय कौन है? तो मैं एक शिवसैनिक के नाते कहना चाहता हूँ, इस देश में एक ही पर्याय है और एक ही सबसे ताकतवर और मजबूत नेता नरेंद्र मोदी साहब के खिलाफ आने वाले 2024 का चुनाव है उसमें पंत प्रधान और PM का उम्मीदवार एक ही है, वो है माननीय श्री उद्धव जी ठाकरे साहब। इस देश की एकता और अखंडता अगर आपको बचानी है तो इस देश के सभी भाजपा विरोधी पार्टियों के नेताओं को मैं कहना चाहता हूं, आपको इस देश को बचाना है और इस देश की एकता और अखंडता को बचाना है
तो आप जो है आने वाला 2024 का जो प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर का जो उम्मीदवार है वो आप जो है देशवासियों ने आदरणीय उद्धव जी ठाकरे साहब को प्रमोट कीजिए। मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि देश की 35 करोड़ मुस्लिम पॉपुलेशन जो है एक भी वोट जो है भाजपा को नहीं जाएगा। पूरा के पूरा 35 करोड़ मुस्लिम पॉपुलेशन का वोट जो है वो शिवसेना को आएगा। इतना मुसलमानों को इन्होंने सताया है भाजपा वालों ने। और रहा जो हिंदू और मुस्लिम एकता चाहता है, ऐसे सभी हिंदू, कट्टरपंथी हिंदू जो हिंदुत्व की भाषा मानता है और देश के लिए जान देता है, राष्ट्रीयता के लिए काम करने वाला कट्टर हिंदू, वो सभी उद्धव ठाकरे साहब के पीछे रहेंगे। सभी लोग, मैं आपको दावे के साथ ये बात कहना चाहता हूं। मैं एक 15 साल से शिवसैनिक हूं, 22 साल का मेरा राजनीति का अनुभव है। मैं कहना चाहता हूं कि इतना अच्छा प्राइम मिनिस्टर उद्धव ठाकरे साहब ही बन सकते हैं और वही देश को शांत रख सकते हैं और वही देश की उन्नति कर सकते हैं। भाजपा वाले इतना लूट रहे हैं देश को, इतना इन्होंने सभी सरकारी संस्थान जो है उसका प्राइवेटाइजेशन किया है, ये देश को नहीं दिख रहा है। आज युवाओं को नौकरी नहीं मिल रही है, ये देश को नहीं दिख रहा है। एक साल भाजपा वालों ने किसानों को जो है वो दिल्ली बॉर्डर पर रखा, एक साल, 3 जो काले कानून लाए थे, एक साल किसी राजनेता को एक साल लगता है कि उनके दिमाग में बिठाने के लिए एक साल लगता है कि ये आप जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। एक साल कोई आंदोलन हो सकता है? मैं राकेश टिकैत साहब जैसे नेताओं को सलूट करता हूं कि आपने बहुत अच्छा जज्बा दिखाया। बहुत, जब तक मेरे गांव के किसान पानी लेके नहीं आएंगे तब तक मैं पानी की बूंद नहीं पीऊंगा, मैं यहीं मर जाऊंगा। देश वालों, आपको पता है कि आप बोल रहे हो ना पर्याय, हम पर्याय दे रहे हैं उद्धव ठाकरे साहब, आप स्वीकार करो। आदित्य ठाकरे साहब हमारे युवा नेता है, उन्होंने कहा था कि पूरी शिवसेना देश में हम खड़े करेंगे, पूरे पूरे देश में हम शिवसेना को लेके जाएंगे। और ये वक्त आ गया है, ये वक्त आ गया है, देश में शिवसेना अब कदम रखेगी और बड़े ताकत से कदम रखेंगे। आप मेरा बयान नोट करके रखो, मैं जो बोल रहा हूं, ये देश को बांटो मत। माँ जो होती है, हिंदुओं की भी माँ होती है, मुसलमानों की भी होती है, और वो एक ही है, माँ दो नहीं होती है, सबकी माँ एक है। और ये भारत देश है, इसको भारत माता कहते हैं और भारत माता के ही हम सब बच्चे हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, भारत माता के ही है और भारत माता की जय ही हम बोलते हैं। और आप हमारी उपासना पद्धति पर विरोध कर रहे हो? जितने भी भक्ति देशभक्ति के गाने लिखे हैं वो सभी गाने तो 90% मुस्लिम कवियों ने लिखे हैं, 90% सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा किसने लिखा है? गान सम्राद्री भारत रत्न लता मंगेशकर जी, इनके 90% से ज्यादा गाने उर्दू में। और आप किस देश की देश को किस तरफ लेके जाने वाले हो? हिंदुओं का पवित्र ग्रंथ महाभारत, जो गुरु जो महर्षि व्यास ने बोला और भगवान गणेश जी ने लिखा, वो धर्म ग्रंथ पर जब कथा महाभारत कथा तैयार हुई, उसका पटलेखा का एक मुस्लिम है, क्या आपको पता है? अर्जुन का रोल जिसने महाभारत में किया वो मुस्लिम है, क्या आपको पता है? महाभारत
के ऊपर देश का सबसे बड़ा काव्य ग्रंथ, दुनिया का जो काव्य ग्रंथ है महाभारत, उसका पटलेखाकार एक मुस्लिम है। यही देश है। हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे जी, इन पर जब पिक्चर बना तो नवाजुद्दीन सिद्दीकी जो है एक मुस्लिम कलाकार ने उनका रोल अदा किया। ये हिंदुस्तान। और आप दो मिनट भी नहीं लगते अजान को, नमाज को, और उसमें क्या बोलते हैं, ईश्वर तू ही सबसे बड़ा है, तू ही सर्वश्रेष्ठ है और तेरे सिवा कोई श्रेष्ठ नहीं है। ईश्वर हिंदी में कहते हैं, अरबी में अल्लाह कहते हैं, इंग्लिश में गॉड कहते हैं, मराठी में देव कहते हैं। और ये जो शब्द है, वो ये दो लफ्ज जो है, आपको चुप रहे हैं राज ठाकरे साहब, इतना बड़ा पाप कर रहे हैं राज ठाकरे साहब। ईश्वर सर्वश्रेष्ठ है और ईश्वर से बड़ा कोई श्रेष्ठ नहीं है, यही नमाज में पढ़ाया जाता है और ये अच्छी बात है। ईश्वर के सामने देवाच्या समोर झुकलं पाहिजे। आणि तुम्ही काय करतायत की सर्वसामान्य महाराष्ट्रातील मुलांना, पोरांना जेलमध्ये जाण्याचा रास्ता ओपन करून दिलाय राज ठाकरे साहेब। इतकं पाप आहे हे पाप थांबवा, महाराष्ट्राला शांत ठेवा आणि उद्धवजी ठाकरे साहेबांच्या नेतृत्वाखाली हे महाराष्ट्र आणि हे देश पुढे जाईल, एवढंच लक्षात ठेवा। जय महाराष्ट्र, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।